नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सन्नव रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ज़बरदस्त सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब रक्षा मंत्रालय अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। दोस्तों, आज मैं जॉब लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ऐसे ही नए नए जॉब के नए नए वीडियोस पाने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं खाली यहाँ पर आपको अभी मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, वैकेंसी सैलरी और पोस्ट कितना है वो बताऊंगा, बाकी का जानकारी आप PDF में जाकर देख लेना। और हेडक्वार्टर जो जबलपुर का हेडक्वार्टर है उसकी तरफ से वैकेंसी निकला है, MP में है जो आता है। उनका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एड्रेस का ज़रूरत पड़ने वाला है, आप ये एड्रेस यहाँ पर नोट करके रख सकते हो। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानकारी लेते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले का पोस्ट जो है दोस्तों, लोअर क्लर्क का है, डिविजनल क्लर्क का, LDC बोलते हैं हम लोग उसको। उसके लिए Level 2 का पे स्केल यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 19,900 से 63,200 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगा। उसमें खाली यहाँ पर जो है दोस्तों, आपका जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें अलाउंस वगैरह मिला के आपका सैलरी 40-50 हज़ार के आसपास यहाँ पर चला जाएगा। ग्रुप सी में ये पोस्ट आता है, 10 पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है वो आप देख लेना। और सेकंड नंबर का पोस्ट है दोस्तों, सिविलियन मोटर ड्राइवर का पोस्ट है, यहाँ पर Level 2 का पे स्केल यहाँ पर रहेगा और जो बेसिक सैलरी है 19,900 से 63,200 रुपये तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाएगा। ग्रुप सी में आता है उसका, और टोटल 8 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख लेना। 3 नंबर का जो पोस्ट है दोस्तों, CTI का पोस्ट है, यहाँ पर सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर 5 का रहेगा। पे मैट्रिक्स यहाँ पर 29,200 से 92,300 रुपये तक आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा, ग्रुप सी में ये आएगा। 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपका बाकी का आप देख लेना। 4 नंबर का पोस्ट है दोस्तों, स्टेनो का, Grade 2 का पोस्ट है स्टेनो का, पे लेवल यहाँ पर 4 का रहेगा और आपका जो सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको बेसिक सैलरी यहाँ पर मिल सकता है। 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, बाकी का आप मुझे लगता है ओपन में है, आप देख लेना बाकी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन का हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले का जो पोस्ट है दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क का, उसके लिए 12वीं पास यहाँ पर होना चाहिए और आपके पास जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंग्लिश के लिए टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट के लिए आपका स्पीड होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 यानी कि 30 पर वर्ड से मिनट आपका ये टाइपिंग का स्पीड होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर का जो पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर का, उसके लिए आपका 10वीं होना ज़रूरी है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी का और 2 साल का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना यहाँ पर चाहिए। 3 नंबर का जो पोस्ट है दोस्तों, सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का यानी कि CTI का, उसके लिए आपका BSc होना चाहिए, फिजिक्स या इक्विपमेंट कौन से भी इसमें आपका यानी कि साइंस में आपका BSc होना चाहिए और आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, 4 नंबर का जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, Grade 2 का जो पोस्ट है उसके लिए आपका 12वीं होना ज़रूरी है और यहाँ पर आपके पास स्किल्स टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए, डिटेक्शन 10 मिनट्स 84 वोल्ट पर मिनट आपका होना चाहिए यानी कि लिखने का स्पीड आपका जो होना चाहिए और ट्रांसपिरेशन आपका 50 मिनट इंग्लिश का और 65 मिनट हिंदी का पर मिनट में आपका होना जरूरी। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो जो पहले वाला पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए 1825 के बीच में आपका एज होना चाहिए, 25 के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए और 18 से कम यहाँ पर आपका एज होना नहीं चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए। सेकंड नंबर के पोस्ट के लिए दोस्तों, आपका 18 से 27 ईयर का आपका एज होना चाहिए, 27 के ऊपर और 18 से कम यहाँ पर आपका एज नहीं होना चाहिए, सिविलियन मोटर ड्राइविंग के ड्राइवर का जो पोस्ट है उसके लिए। उसमें दोस्तों, अगर बात करें जो कास्ट के इसमें जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर SC ST का जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पर 5 साल का
रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और ओबीसी में जो आते हैं उनके लिए 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो एक सर्विसमैन के इसमें रह चुके हैं उनके लिए भी अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो रूल डिसाइडेड हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो लोग हैंडीकैप वगैरह जो है उनके लोग भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो यूआर कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के अंडर जो आते हैं उनके लिए 13 साल का, और एससी एसटी में जो आते हैं उनको 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपके पास नॉन क्रिमिनलर होना ज़रूरी है और आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे फीस और पेमेंट के बारे में। यहाँ पर फीस और पेमेंट के बारे में दिया हुआ है जो एस सी एस टी ओ बी सी के लिए यहाँ पर 0 यहाँ पर ये रहेगा, कोई भी फी चार्जेस यहाँ पर नहीं रहेगा। और जो ओपन में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए 50 रुपये का यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो डिसेबिलिटी के जो ये रहेंगे उनको भी कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका टोटल 2 आवर्स के लिए एग्ज़ाम रहेगा। उसके लिए जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो 25 क्वेश्चंस का रहेगा, उसके लिए 25 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क का रहेगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रिसोनिंग के आधार पर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। सेकंड नंबर का जो पेपर रहेगा दोस्तों 50 मार्क का रहेगा, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपके एग्ज़ाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। थर्ड नंबर का जो पेपर रहेगा दोस्तों जनरल इंग्लिश के ऊपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपको 50 मार्क के लिए यहाँ पर 1 मार्क का 1 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। और जो 4 नंबर का जो पेपर है दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ पर रहेगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क के लिए आपका ये पेपर रहेगा। 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर देने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई आपका नहीं होगा, आपको ऑफलाइन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसके साथ में जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह है और जो अदर डॉक्यूमेंट फोटोज़ वगैरह है सब क्लियर कट यहाँ पर अटैच करके वो आपको सेंड करना है। पेमेंट भी आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हो यार, या तो फिर आप DD यहाँ पर निकाल के उसके साथ में आप, ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि आप DD से ये करें, और उसके साथ में DD का ये आपको भरना है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है, आप बाद में सब कुछ पढ़ लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो PDF में दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर ठीक क्लियर कट यहाँ पर टोटली भरना है आपको डाउनलोड करके। यहाँ पर आपका फ़ोटो चिपकाना है, आपका जो जैसे जैसे बताया नाम लिखने के लिए यहाँ पर कैपिटल में लिखना है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सब कुछ कुछ इस तरह का फॉर्म दोस्तों यहाँ पर रहेगा। आप ठीक से देख लेना और ठीक से आपका पूरा जो जानकारी है वो यहाँ पर भर लेना। नेशनलिटी, रीजन, आपके पास नेशनलिटी नॉन क्रिमिनलर यहाँ पर होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको आपका जो एग्ज़ाम जो है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, यूनिवर्सिटी परसेंटेज कितने मिले हैं, वो कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया हो वो यहाँ पर आपका लिखना है, आपका जो स्किल है वो यहाँ पर सब कुछ लिखना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है, आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, उसके फ़ोटो के पीछे आपका नाम, फादर का नाम लिखना है, दो एनवलप लेकर आपको उसके ऊपर अपना खुद का सब क्लियर कट एड्रेस डालना है, और उसके ऊपर पोस्ट का स्टैम्प मार के वो आपको एप्लीकेशन के साथ में उनको पास सेंड करना है। DD का भी डेट वगैरह सब कुछ आपको क्लियर कट यहाँ पर भरना है। आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर रहेंगे सबके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर सेंड करने हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके हैंड का थंब यहाँ पर लगाना है, मेल अगर हो तो राइट हैंड का और फीमेल अगर हो तो लेफ्ट हैंड का यहाँ पर थंब आपको यहाँ पर लगाना है। सब फॉर्म वगैरह भरने के बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट वगैरह टोटल क्लियर करने के बाद दोस्तों, आपको ये वाला जो एड्रेस स्क्रीन पर दिख रहा है उसके ऊपर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको उनके तरफ से रिटर्न
ऑर्डर आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो सिलेक्शन अगर होता है तो रिटर्न ही आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है वो क्लियर कट यहाँ पर आपको भरना है। अब अगर आपको फॉर्म भरते समय अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में, ऐसे नए नए जॉब के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद।